हेलो एवरीवन आज मैं आपको शादियों में बनने वाले चिकन चीज़ कबाब की रेसिपी देने वाली हूँ बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है बहुत टेस्टी होता है इसे कैसे परफेक्टली बनाया जाए कि फटे ना सारे टिप्स एंड ट्रिक दूंगी तो वीडियो एंड तक देखिएगा चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले देखिए 100 ग्राम चिकन लिया है बोनलेस चिकन का यूज़ किया है आप चाहें तो यहाँ पे चिकन कीमा का भी यूज़ कर सकते हैं अब मैंने यहाँ पर चिकन को फूड प्रोसेसर में डाल दिया है आप चाहें तो यहाँ पे मिक्सी ग्राइंडर का भी यूज़ कर सकते हैं अब यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर पाउडर ऐड किया है हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड किया है ये नॉर्मल जीरा पाउडर है भुना हुआ नहीं है और वन फोर टी स्पून यहाँ पे मैंने गर्म मसाला यूज़ किया है अब यहाँ पे मैं एक टी स्पून ऐड कर रही हूँ अदरक लहसन का पेस्ट वन टीस्पून भर के मैंने यहाँ पे हरी मिर्च का पेस्ट यूज़ किया है इसमें बहुत ही कम मसाले जाते हैं अब यहाँ पे मैंने नमक ऐड किया है आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें अब मैं फूड प्रोसेसर में इसे अच्छी तरह से एक बार ग्राइंड कर लूँगी दो से तीन मिनट मैंने यहाँ पे इसे ग्राइंड किया है और ये देखिए यहाँ पर हमारा कीमा बन रेडी हो गया है अब इसे मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी अब यहाँ पे वन टीस्पून भर के मैं ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लावर कॉर्नफ्लावर मिक्स करने से इसमें बाइंडिंग अच्छी आएगी वन फोर टीस्पून स्पून यहाँ पर मैं हरी इलायची का पाउडर ऐड कर रही हूँ इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है कबाब में अब यहाँ पर इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद भी अगर लगता है कि कीमा थोड़ा सा स्टिकी है तो आप इसके अंदर हाफ़ टी स्पून कॉर्नफ्लावर और ऐड कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए अब ये मिक्स हो गया है अब हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं अब यहाँ पर हम कबाब को शेप देने वाले हैं तो यहाँ पर मैंने कीमा ले लिया है और मैंने यहाँ पे स्लाइस चीज़ का यूज़ किया है आप अपने पसंद की कोई भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं अब यहाँ पर देखिए मैंने क्लिंग रैप को कट कर लिया है अपने नीड के हिसाब से और मैं वो यूज़ कर रही हूँ आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हैं जो आपके घर पे अवेलेबल हो अब इस पर मैं थोड़ा सा ऑयल डाल के इस पर अच्छी तरह से स्प्रेड कर लूंगी ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम जब इस पर कबाब बनाएं तो हमारे कबाब चिपके ना अब यहाँ पर ऑयल को हम हमारे हाथों में भी अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेंगे ताकि जब हम कबाब बनाएँ तो वह हमारे हाथों में ना चिपके तो ये देखिए मैंने यहाँ पर कबाब बनाने के लिए कीमा ले लिया है आपको जितना बड़ा कबाब बनाना है छोटे बनाने बड़े आप अपने हिसाब से ले सकते हैं मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ के कबाब बना रही हूँ तो पहले हम इसे देखिए क्लिंग रैप पे इस तरह से रखेंगे और इसे फ्लैट करेंगे दोनों हाथों से बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है वरना ये फ्राइंग के वक्त टूट जाएगा तो ये देखिए तो मैंने थोड़ा सा और कीमा ऐड किया है इसमें और इसे इस तरह से हम आगे की तरफ स्प्रेड करेंगे अब हम चीज़ स्लाइस लेंगे और जितना हमने कबाब बनाया है उसके हिसाब से हम इसके अंदर चीज़ स्लाइस ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए मेरा चीज़ स्लाइस थोड़ा बड़ा था मैंने उसे कट कर दिया है अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं अपनी क्लिंग रैप को रैप करेंगे इससे क्या होगा कबाब बहुत ही परफेक्ट बनेगा और ये फ्राइंग के वक्त टूटेगा नहीं हम इसे अंदर की तरफ इस तरह से पुश करते जाएंगे और क्लिंग रैप को आगे की तरफ खींच लेंगे ये देखिए और हमें ये थोड़ा टाइट करना है बहुत ही लूजली नहीं करना है तो ये देखिए यहाँ पर हमारा कबाब कितना अच्छा बन के रेडी हो रहा है इसमें कोई मेहनत नहीं लगी है बहुत अच्छी ट्रिक है आप आराम से इसे बना सकते हैं एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे और आपसे ये इजीली बन जाएगा तो ये देखिए अब हमारे कबाब यहाँ पर बन के रेडी हो गए मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ इस ट्रिक का यूज़ करके आप आराम से कबाब बना सकते हैं ये ट्रिक कभी फेल नहीं होगी तो मैं आपको अब अगेन एक और कबाब बना के दिखा देती हूँ इस तरीके से हम यहाँ पर कबाब को देखिए फ्लैट करेंगे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे अब अगेन मैं इसमें चीज़ लगा रही हूँ तो यहाँ पे कबाब का साइज़ मेरा परफेक्ट था तो एक चीज़ स्लाइस पूरा लग गया है अब इस तरीके से हम इसे टाइटली अंदर की तरफ पुश करेंगे ये देखिए मैं कैसे कर रही हूँ इसी तरीके से करना है थोड़ा टाइट करना है ताकि ये अच्छी तरह से बाइंड हो जाए आपस में बस ये देखिए बन के रेडी हो गया है हार्डली हमें कुछ मिनट लगते हैं और हमारे परफेक्ट कबाब यहाँ पे बन जाते हैं कोई मेहनत का काम नहीं है बस ट्रिक आपको ये अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए तो ये देखिए ये कबाब भी हमारा बन के रेडी हो गया है इस तरह से मैं अब सारे कबाब प्रिपेयर कर लेती हूँ तो यहाँ देखिए कबाब मैंने बना लिया है अब इस कबाब को हम फ्रिज में रखेंगे कम से कम एक घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे छः घंटे आठ घंटे भी रख सकते हैं एक बार ये अच्छे से सेट हो जाए फिर हम आगे देखते हैं अब एक घंटे बाद यहाँ पर मैंने कबाब को फ्रिज से निकाल लिया है यहाँ पर मैंने कोटिंग के लिए लिया है कॉर्नफ्लावर। ये हमारे कबाब हैं जो मैंने फ्रिज से निकाले हैं और यहाँ पर ये यह मैंने अंडा लिया है इस अंडे में हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है बस हम इसे अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे तो ये देखिए अंडा भी यहाँ पे हमारा बीट हो गया है अब हम इसे कबाब को उठाएंगे और सबसे पहले हम इसे कॉर्नफ्लॉर में डालेंगे कॉर्नफ्लॉर में हम इसे अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे कहीं से भी कबाब हमारा विजिबल नहीं होना चाहिए कोटिंग अच्छी होनी चाहिए तो ये देखिए जो एक्सेस है उसे हम इस तरह से झाड़ देंगे और उसके बाद हम इसे अंडे वाले बैटर में डालेंगे अंडे वाले बैटर में डालने के लिए हम दूसरे हाथ का यूज़ करेंगे ड्राई बैटर के लिए अलग हाथ यूज़ करना है और अपने लिक्विड बैटर के लिए अलग हाथ यूज़ करें ईजी होता है तो ये देखिए मैंने इसे अंडे में भी अच्छी तरह से कोट कर लिया है अब ये कबाब हमारा रेडी है इसी तरह से अब मैं यहाँ पे सारे कबाब को कोट कर लूँगी तो ये देखिए हमारे कबाब भी अब रेडी हो गए हैं अब हमें इसे फ़्राई करना है तो चलिए फ्राइंग प्रोसेस पे चलते हैं अब यहाँ पर हम कबाब को डीप फ्राई करेंगे उसके लिए मैंने ऑयल ले लिया है ऑयल को हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है मीडियम टू हाई हीट पे रखना है और मीडियम टू हाई हीट पे ही हम इसे गर्म करेंगे अगर टेम्परेचर में बताऊँ तो हमें इसे 160 टू 170 डिग्री सेल्सियस पे करना है अगर आपके पास टेम्परेचर प्रोब नहीं है तो आप इस तरीके से तेल पर हाथ लगाएँ और बहुत ज़्यादा हीट नहीं होनी चाहिए तो मतलब हमारा तेल तैयार है इसे फ्राई करने के लिए अब यहाँ पर एक एक करके मैं कबाब डालूंगी और हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक साथ में नहीं डालना है थोड़े थोड़े करके बनाएंगे और हल्का सा हम इसे मीडियम टू लो हीट पे पकने देंगे इसके बाद दो मिनट के बाद हम इसे इस तरीके से अलग करेंगे ताकि ये आपस में चिपके ना तो ये यह देखिए यहाँ पर मैंने अलग कर लिया है अब हम इसे इसी तरीके से पकने देंगे बीच बीच में हम थोड़ी थोड़ी देर पर इसे इस तरह से हिलाते रहेंगे ताकि ये इसमें अच्छा सा ईवन सा कलर आ जाए कबाब डालने के बाद मैंने फ्लेम मीडियम टू लो कर दी थी ताकि हमारा जो कच्चा चिकन है वो भी अच्छी तरीके से पक जाए और ये ऊपर से जले ना ऊपर से भी अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए इसमें अब कबाब को यहाँ पकते हुए पाँच से सात मिनट हो चुके हैं तो अब हम इसे फिर से चेक कर लेते हैं तो ये देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा ये पक चुका है इसमें से थोड़ा थोड़ा चीज बाहर की तरफ आने लगा है इट मीन्स कि ये डन है अब हम इसे एक एक करके निकाल लेंगे अब यहाँ पर देखिए हमारे सारे कबाब फ्राई हो गए हैं अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ तो ये देखिए हमारे कबाब का कितना अच्छा कलर आया है अंदर से भी अब मैं इसे आपको तोड़ के दिखा देती हूँ तो देखिए यहाँ पर हमारा कबाब कितना सॉफ्ट बना है चीज़ इतना अच्छा ऊजाउट हो रहा है बहुत अच्छी रेसिपी आप इसे ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें चैनल को सब्सक्राइब कर दें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए बाय